वसंत कुंड में बने आईएलबीएस हॉस्पिटल के सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ ने आज एक साइलेंट मार्च निकाला। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि उनको उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को उनके स्टाफ के कुछ लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात भी की और हॉस्पिटल में किस तरह से उनके साथ ज्यादा ड्यूटी कराई जा रही है और कई अन्य समस्याओं की जानकारी भी दी। देर शाम तक हॉस्पिटल की तरफ से अनिल नाम के नर्सिंग स्टाफ को टर्मिनेटर लेटर दे दिया जाता है। इससे नाराज नर्सिंग स्टाफ ने आज एक मार्च निकाला है और अपने साथी की हॉस्पिटल में वापसी की मांग की। 2014 में यहाँ पे ज्वाइन किया था, एस सी रिजर्वेशन कोटे से मैं यहाँ पे भर्ती हुआ था। तो उस दिन के बाद में 2 महीने बाद से मेरा हरासमेंट स्टार्ट हो गया। उसमें पल ऐसे भी गुजरे जिंदगी के बहुत बुरे दौर भी गुजरे, जो मेरा साथ दिया उनको टर्मिनेट का चांस बनाया। जैसे आज जो इनका अनिल भाई को इन्होंने टर्मिनेट किया है वो मेरे केस के विटनेस हैं और जो भी इनको मेमो दिए गए हैं वो मेरे केस के बाद के मेमो हैं। उससे पहले क्या हुआ था आपके साथ, क्या कहते थे? मेरे साथ जाति सूचक शब्द बोलते थे, मेरे फादर को मेरा फादर नहीं बताते थे, पता नहीं कितने फादर हैं तेरे, किसकी पिक भेज देता है तू, क्या है। अचानक वो स्वर्गवास हो गया उनका, फिर भी इन लोगों ने इतना आराज किया कि मेरी 2-3 महीने तक सैलरी रोक के रखी। इधर चक्कर कटवा रहे हैं, उधर चक्कर कटवा रहे हैं। एक मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है कि मैं घर बैठ के खा लूँ, पूरे परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ, पूरे 5 मेंबर है उसमें मैं एक आदमी हूँ कमाने वाला, उनके साथ इतना हराज किया जा रहा है। जो मेरी विटनेस के साथ ऐसा कर रहे हैं तो मेरे साथ क्या करेंगे, मेरी फैमिली का क्या होगा। और ये बात मैं चाहता हूँ कि पूरे जो दलित वर्ग हैं उन तक पहुँचे। इस पर दिल्ली पुलिस में इंटीमेशन दिया है, 17 दिसंबर 2016 को दिल्ली पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ACP, DCP, CP यहाँ तक मैं जाके आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद डॉक्यूमेंट्स जाके आया हूँ, विद विटनेस जाके आया हूँ, बट दिल्ली पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, कुछ भी नहीं कर रही है। जाते हैं तो हमारे को प्रेशराइज करती है कि आप केस अपना वापस ले लो, वो ठीक है, आप गलत हो। दिल्ली से राकेश सोनी, जीवे पंजाब के लिए।